जब मैं बड़े डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने मेरे को बोला था कि अपने आप को पीजीआई में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर करवा दो, कि आपकी क्रिएटिनिन लेवल जो है बहुत हाई हो चुके हैं, कि आपकी एज 42 साल है, अभी भी आप चाहो तो किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। मेरे एडिमा रहा, यानी कि सूजन पूरी बॉडी में बढ़ती गई, इवन इतनी हो गई कि मैं चल भी नहीं सकता था, कि मैं अब किडनी के आगे जीत नहीं पाऊंगा, मेरी किडनी में दिक्कत आ गई, अब मैं जीत नहीं पाऊंगा। बस हीमोग्लोबिन इतना कम हो गया था कि 5 पर आ गया था। कितने साल से आप बीपी, शुगर, जोड़ों के दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल की दवाइयां खा रहे हो? एक बीमारी होती है फिर दूसरी होती है, अब वक्त आ गया इस चेन को तोड़ने का, आयुर्वेद की शरण में आने का। और इसके अलावा प्रॉब्लम थी कि मैं खा नहीं पी नहीं सकती थी, मतलब कहीं सफर नहीं कर सकती हूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ। मेरा बीपी बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता था, भारी नहीं तो आवाज भारी रहती, सर भारा रहता था, आंखें भारी रहती थी, तो हाथ के थक चुके थे, सब कुछ यही बोल रहे थे कि ट्रांसप्लांट करवाओ, ये करो वो करो, डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया था। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी जी, तभी सर द्वारा थेरेपी दी गई ग्रीन पेन और रेड पेन से जी, तो वो कल शाम को दी थी और आज सवेरे इनमें स्वेलिंग गायब हो चुकी है, बहुत ही कम बची है वो आज शाम तक। मतलब आप बताएं 70% तक आपको आराम मिल गया? आराम लगता है, कल मेरे से शूज भी नहीं डाले जा रहे थे लेकिन आज शूज में डाल लेता हूँ। और जो इम्प्रूवमेंट की बात है, जब मैं इधर आया था तो मुझे स्टिफनेस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इस तरफ मैंने रेडिएशन लिए थे, तो वो स्टिफनेस एक तो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, और जो पेन था पूरे सिर से लेके शोल्डर तक, उसमें भी तकरीबन 50-60% इम्प्रूवमेंट है, और अभी और आगे चलना है तो शायद मैं मानता हूँ अगले हफ्ते तक इट विल गो अवे। जब आई थी तो चलने में डगमगाती थी, आज डट के चल रही हूँ। आपको लगता है पूरे ठीक हो जाएंगे? हाँ, पूरा विश्वास है। ऐसे हॉस्पिटल के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, लोगों को बोलूँगा कि शुगर, बीपी, किडनी और कैंसर, इन चार बीमारी से अगर आपको डर लगता है तो आप हिम्स की तरफ आएं। जी जी, तो कैसा लग रहा है, चमत्कारिक थेरेपी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है जी, पहले तो मेरे को विश्वास नहीं होता लेकिन जब रिजल्ट मिला तो बहुत अच्छा लगा। किसी भी तरह की बड़ी बीमारी है तो दुनिया में एक ही व्यक्ति आपको ठीक कर सकता है, और वह व्यक्ति आपको शीशे में नजर आता है, यानी कि स्वयं। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं, चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली NCR, मेरठ, नवी मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है।